सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैलिपर को कैसे एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैकेनिकल डिस्ब्रेक कैसे वर्क करते हैं, इसलिए आप पहले ये वीडियो देखो बिना स्किप करे। How do they actually work? There are two main types of disc brakes, mechanical and hydraulic. Mechanical disc brakes are cable actuated, relying on a cable attached to the brake levers to activate the braking in a similar way to rim brakes. Hydraulic disc brakes do away with the cable and use hydraulic fluid in a fully sealed line. When you brake, increased pressure is applied to the caliper, which presses the pads against the disc. A disc brake consists of a metal disc or rotor attached to the front and rear wheel hubs. Calipers are attached to the frame or fork. The calipers contain pistons which sit either side of the disc behind the brake pads. The calipers are attached to the brake levers by the brake lines. When you brake, pressure is applied to the pistons, which engages the pads around the disc. As the pads drag against the disc, the wheel, and therefore the bike, is slowed, as kinetic energy or motion is transformed into thermal energy or heat. Simple. Okay guys, अभी आपको इन दोनों स्क्रू को थोड़ा लूज करना है। ध्यान रहे, आपको इन्हें पूरा लूज नहीं करना है, आपको इन्हें थोड़ा ही लूज करना है। अभी गाइस, आपको एक्चुएटर आर्म के स्क्रू को थोड़ा सा लूज करना है और ब्रेक केबल की वायर को थोड़ा नीचे खींच के एक्चुएटर आर्म को टाइट करना है। गाइस, आपको इसे अच्छे से टाइट कर लेना है, ध्यान रहे इसमें कोई स्लैग ना रहे। गाइस, इसके बाद आपको ये वाले स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करना है 5 mm के एलन की से। अभी गाइस, आपको ब्रेक लीवर को प्रेस करके देखना है। अगर वो ज़्यादा अंदर की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक्चुएटर आर्म के स्क्रू को थोड़ा सा लूज करना है और फिर उसको ऊपर की तरफ ढकेल के फिर से टाइट कर लेना है। अभी गाइस, आपको ब्रेक लीवर को फिर से प्रेस करके देखना है। अगर ये ज़्यादा टाइट हो जाए तो फिर आपको इसे नीचे की तरफ ढकेल के थोड़ा लूज़ कर लेना है। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आपको इसे टाइट कर लेना है। गाइस, टाइट करने के बाद अगर आपका ब्रेक लीवर ये पोजीशन पे आ रहा है तो फिर आपको ये जो दो नट्स को हमने लूज़ किया था उसे फिर से आपको टाइट कर लेना है। उसके बाद हमने गाइस ये स्क्रू को टाइट किया था, इसे आपको फिर से लूज़ कर लेना है। गाइस, आपको ये स्क्रू को तब तक ही लूज़ करते जाना है जब तक ये डिस्प्ले को टच ना हो रहा हो, तब तक ही इसे लूज़ करते जाना है। आपको ज़्यादा भी लूज़ नहीं करना है, फिर ये ब्रेक नहीं दबेगा। ओके गाइस, अभी आप देख ही सकते हो अपना ब्रेक एकदम टाइट हो चुका है। और गाइस, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।